नमस्कार, श्रीमती चंपाबेन वसंत भाई गजेरा, माध्यमिक शाला अमरेली। अब हम काव्य नंबर 7 सूरदास के पद, उसके कवि का नाम है सूरदास। जन्म सन 1478, निधन सन 1573। जो ये सूरदास है, ये उसी के काव्य ये सूरदास के पद है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिंही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्म होना भी विवादस्पद, ये जन्म से ही अंध थे ऐसा भी एक विवादस्पद है। वल्भाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास जी की मनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं। ये जो सूरदास जी है, इसका मन कृष्ण भगवान है, उसके सिवाय किसी भगवान के पास जाना नहीं चाहते। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले सूर्य कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकते हैं। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया गया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बाल कृष्ण का मनोरम वर्णन किया। इस काव्य में बाल कृष्ण जो बचपन का है, इसका वर्णन किया गया है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख, मेरा मन कहीं भी सुख नहीं पाता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर, जैसे जो पंछी है कहीं पे चला जाता, फिर वो जहाज पे आ जाता है। कमल नैन को छोड़ी महातम और देव को दिया। कमल जैसे जिसके नयन आँख है, उसके जो मेरा मन है वहीं पे जाता है। परम गंगा को छोड़ी पिया सो दूरमती कूप खना। गंगा जैसी पवित्र नदी है, उसको छोड़कर कूप, कूप अटले उसका मतलब होता है कुआ। कुआ वो खोदने जाता। जी ही मधुकर अंबुज रस चाखियो, क्यों करेल फल फावे। जिसने मधु जैसा अमृत रस चख लिया है, उसे करेल, करेल का मतलब होता है कड़वा, जैसा रस उसे अच्छा नहीं लग। सूरदास प्रभु काम देनु तजी छेरी कौन दुआ। सूरदास के प्रभु काम देनु, काम देनु का मतलब होता है गाय। और छेरी का मतलब होता है बकरी। गाय जैसी है, उसे छोड़कर बकरी को कौन दोहे जाए। छोबित कर नवनीत लिए, नवनीत, नवनीत का मतलब होता है मक्खन। कृष्ण भगवान जो है, उसके हाथ में मक्खन रखा हुआ है। घुटरी नु चरण रेनु तन मंडित मुख दधि लेप किए। उसके धूल में चल रहे और मुख, मुख पे दधि, दधि का मतलब होता दही, उसके मुख पर है। चारु कपोल लो लोचन गोरोचन तिलक दी। उसका कपाल भी बहुत अच्छा है, उसके कपाल पर गोरोचन नाम का तिलक किया हुआ है। लट लटकनी मनु मन मधुप गन मादक मधु ही पिए। फिर भी उसकी जो लट है बहुत अच्छी लग रही है, इससे वो और सुंदर लग रहे है। कंठूला कंठ बज्र केहरी नख राजत रुचि रही है। उसका कंठ है वो भी बहुत अच्छा है, बज्र बाघ
बाघ का जो नख है उसने गले में पहना है, उससे बहुत शोभित लग रहे है। धन्य सुर एको पल यही सुख का सतकल्प जिए। एक बार कृष्ण भगवान जैसे जो है उसका दर्शन हो जाए, 100 कल्प लाखों वर्षों तक हम धन्य हो सकते हैं। धन्यवाद।